ये है सोनी XV800। ये एक पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। ये माइक और गिटार इनपुट के साथ में आता है। USB पोर्ट है जहाँ पर आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं या फिर अन्य डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। ये IPX4 सर्टिफाइड है वर्टिकली और IPX2 सर्टिफाइड है हॉरिजॉन्टली। इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ दिया हुआ है और बैटरी लाइफ 25 आवर्स की। इस पार्टी स्पीकर का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है और ये वाकई में काफ़ी पोर्टेबल है। तो बॉक्स को मैंने खोल दिया है और ये जो स्पीकर है इसका मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो बॉक्स में है कुछ बुकलेट्स। बॉक्स में ये स्पेशल केबल दिया हुआ है जिसे यूज़ करके आप अपने TV के साथ में इस पार्टी स्पीकर को कनेक्ट कर पाएंगे। और ये है पावर कॉर्ड। तो ये है सोनी का नया पार्टी स्पीकर। ये है पावर ऑन ऑफ बटन और यहाँ पर कुछ टच कंट्रोल्स दिया हुआ है। डेमो मोड भी है इसमें और यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को रख सकते हैं। ये बेसिकली हैंडल्स हैं, एक यहाँ पर है और जो मेन हैंडल है वो यहाँ पर है। ये जो हैंडल है इसे थोड़ा सा आप अगर टिल्ट करेंगे उसके बाद में आप आसानी से इसे मूव कर पाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से। ये व्हील्स के साथ में आता है। ये जो व्हील्स है इन्हें यूज़ करके आप बड़ी आसानी से जो स्पीकर है इसे मूव कर पाएंगे। वैसे जो स्पीकर है इसका वज़न है तकरीबन 18 kg के आसपास। ये ओमनी डायरेक्शनल स्पीकर है, सब जगह से आपको साउंड सुनाई देने वाला है। ये है इसका फ्रंट व्यू। ये मेटल मेश है। डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, एक पार्टी स्पीकर की तरह ही दिखता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली भी इसे प्लेस कर सकते हैं। इसमें 3 ट्विटर यूनिट्स दिया हुआ है, 2 वूफर यूनिट्स हैं और 2 रियर ट्विटर यूनिट्स हैं। 2-वे बेस रिफ्लेक्स स्पीकर टाइप है और एक्स बैलेंस्ड वूफर यूनिट के साथ में आता है। तो यहाँ पर मेन फंक्शनलिटी है, चार्ज इंडिकेटर है, ये है बटन, यहाँ पर प्लस एंड माइनस वॉल्यूम के लिए और डेमो के लिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, प्ले बटन भी यहाँ पर है, ब्लूटूथ के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्टिकल इन, ऑडियो इन, USB लाइट और TV साउंड बूस्टर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। ये जो बटन है इसे प्रेस करके होल्ड कीजिए। अब ये ऑन हो गया है। वाओ, ये लाइटिंग इफेक्ट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, RGB लाइटिंग इफेक्ट्स। जो लाइट्स है वो एक्चुअली यहाँ पर साइड में दिया हुआ है और यहाँ पर बेसिकली उसका रिफ्लेक्शन मिलता है, लेकिन काफ़ी अमेजिंग लगता है। जो LED लाइटिंग इफेक्ट्स है वो ऊपर भी दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे की तरफ भी दिया हुआ है। इस स्पीकर के बैक साइड पर यहाँ पर ये रबर कवरिंग दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंट्रोल के ऑप्शंस हैं। ये है पावर इन के लिए और इसे यूज़ करके आप जो बैटरी है इसमें उसे भी चार्ज कर पाएंगे। ये है ऑप्टिकल इन के लिए। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसे यूज़ करके आप इस स्पीकर को आपके TV के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। ये TV साउंड बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, मतलब कि TV के लिए खास करके इसे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। आपको काफ़ी बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस इसके साथ में मिलने वाला है अगर आप इसे TV के साथ में कनेक्ट करते हैं तो। ये है एको बटन, ये है गिटार के लिए, ये है की कंट्रोल्स, ये है बैटरी केयर बटन, USB पोर्ट, ये है ऑडियो इन, यहाँ पर आप माइक कनेक्ट कर सकते हैं, माइक 1, यहाँ पर माइक 2 या फिर गिटार को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो नॉब दिया हुआ है इससे आप यहाँ पर जो भी चीज़ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो माइक कनेक्ट करेंगे उसे कंट्रोल कर पाएंगे और यहाँ पर जो माइक या फिर गिटार कनेक्ट करेंगे उसे इस नॉब के ज़रिए कंट्रोल कर पाएंगे। सोनी म्यूज़िक सेंटर करके जो एप्लीकेशन है आप अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं जो स्पीकर है इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ और अगर कोई फर्मवेयर अपडेट आएगा तो यहाँ से ही मैं उसे कर पाऊँगा। एक अपडेट आया हुआ है, मैं इसे बाद में अपडेट करने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जो स्पीकर्स हैं इन्हें दूसरे स्पीकर्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार के 2 स्पीकर्स हैं तो आप 2 स्पीकर्स को एज अ स्टीरियो स्पीकर बना सकते हैं क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल है। अगर 2 स्पीकर्स होगा तो ये स्टीरियो स्पीकर बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार के बहुत सारे स्पीकर्स हैं तो पार्टी कनेक्ट करके भी ऑप्शन है जिसे यूज़ करके आप बहुत सारे स्पीकर्स को साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए मैं इस पर कुछ ऑडियो प्ले करता हूँ। मैंने इस स्पीकर को मेरे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर दिया है और ये जो सॉन्ग है मैंने कुछ वीडियोज़ में यूज़ किया था। यहाँ पर सुनते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी आने वाली है। बहुत ही इम्प्रेसिव साउंड क्वालिटी है, पार्टी स्पीकर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। वॉल्यूम इसका कितना है वो चेक करते हैं। ये जो वॉल्यूम है ये मैंने तकरीबन कह सकते हैं कि 20 पे रखा हुआ है आउट ऑफ 100, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना लाउड जा सकता है। ये अब मैंने जो रखा था ये 50 पे रखा हुआ था, तो ये जो स्पीकर है बहुत ही ज़्यादा लाउड है। अगर आप इसे यूज़ करके कोई छोटा सा इवेंट करना चाहते हैं, माइक्रोफोन इसके साथ में कनेक्ट कीजिए, इवेंट के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाउड है। छोटा सा जो हॉल है उसके लिए काफ़ी है। तकरीबन मुझे लगता है कि 100 से 200 कैपेसिटी वाला जो रूम है
उसके लिए ये एक सिंगल स्पीकर मोर देन सफिशिएंट होगा। मेगा बेस को मैंने ऑफ कर दिया है, अब मैंने जो मेगा बेस है इसे ऑन किया हुआ है। स्पीकर के ऊपर कंट्रोल दिया हुआ है, उसे यूज़ करके भी आप जो मीडिया है उसे पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और जो लाइट्स है अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करके उसे ऑफ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो है। जो वॉल्यूम है मैंने 30 पे रखा हुआ है आउट ऑफ 100। करियोके या फिर गिटार को भी आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड आउटपुट बहुत ही इम्प्रेसिव है, काफ़ी लाउड है, वोकल्स क्लियर है और जो बेस है पंची है। इंडियन यूजर्स को ये काफ़ी पसंद आने वाला है। और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 10 मिनट्स का चार्ज आपको तकरीबन 3 घंटे का यूसेज टाइम मिल सकता है। एंड ऑफकोर्स ये प्लग एंड प्ले करियोके सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें जो USB पोर्ट दिया हुआ है वहाँ पर आप अगर आपके पास गाने हैं पेन ड्राइव में उसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स ये ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ में भी आता है। एक्सेलेंट पार्टी स्पीकर जिसे आप एज अ होम स्पीकर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, TV के साथ में भी कनेक्ट कर पाएंगे। इसका प्राइसिंग है तकरीबन 45,800 रुपीज़ के आसपास। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।